खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय महिला कुश्ती, जूडो और ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें चयनित खिलाड़ियों ने रायपुर में राज्य स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लिया। युवा खेल और कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि कोरबा में अनेक खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं जिन्हें तराशने की सख्त आवश्यकता है। कोरबा जिला के पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र सिंह तोमर ने खेलकूद को व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की है कि कोरबा जिले में खेल प्रतिभाएं बड़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इन खेल प्रतिभाओं को निखारने में राज्य सरकार पूरी मदद करेगी, जिससे ये राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। अपने जिले के खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों को 25 अच्छे लोगों को भेजा जाए ताकि प्रदेश में वे अपना कुछ स्थान बना सकें। जिला स्तरीय स्पर्धा में जिन टीमों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया उनमें शामिल है ताइक्वांडो श्रद्धा, पूजा दत्ता, ममता चौधरी, गंगा मैत्री, अनुपम वर्मा, प्रीति दिग्रसकर, संगीता दत्ता, लक्ष्मी वैष्णव। जूडो से हरनाम कौर, खुशबू कुमारी, प्रतिभा राज, ललिता राज, उमा वैष्णव, सीमा चौहान, पुष्पलता विके। कुश्ती से अन्नपूर्णा पाटले, सीमा सिंह, मनीष पाटनवार, आजिलाम इक्का, इंद्रदीप कौर। अभी जो आप फाइट देख रहे हैं ये जूडो का फाइट है और जूडो जापान के राष्ट्रीय खेल है और हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूल में शिक्षकों को मान्यता प्राप्त है। ये बच्चे कोरबा जिला जूडो संघ की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं और आगामी 40 खेलों के लिए सेकेंड बॉल कुमारी आरती पटकवार,
बहुत ही अच्छे ढंग से कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस श्रीवास्तव और जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष बसंत शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर ताइक्वांडो प्रशिक्षक श्री सुधीर दास, जूडो प्रशिक्षक श्री ठाकुर बहादुर, खेल प्रशिक्षक श्री नागेश ठाकुर, श्री नंद किशोर तिवारी, श्री राजू सिद्धार, वीरू चौहान, रॉबर्ट तिग्गा, प्रमोद यादव, प्रवीण चंद्र साहू, कुमारी प्रीति चौहान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ताइक्वांडो प्रशिक्षक श्री अनिल द्विवेदी ने किया।